डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ अवर लाइट चैप्टर। तो पिछले पुराने पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है मेनली लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर। अब इस चैप्टर में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो पहले रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, जब टकरा के वापस आई। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। हमारे पास एक ग्लास स्लैब होगा, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है उसको हमको समझना है। पिछले पार्ट में हमने ऑल पूरा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं लाइट रिफ्लेक्शन का, तो उसमें बता दो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लाइट रिफ्लेक्शन में हमने पहले डिस्कस किया था हमारे मिरर कौन है, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मिरर, एक प्लेन मिरर और स्पैरिकल मिरर। स्पैरिकल मिरर में दो हमने पार्ट पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके नेक्स्ट हमने पढ़े थे रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम आते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है। अब इसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ जो इमेज होती है, जनरली 2 टाइप की इमेज होती है नेचर, अगर मैं बात करूं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब है जो किसी सरफेस पर प्रोवाइड हो सके, जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब है जो हमको किसी स्क्रीन पर प्रोवाइड ना हो सके, जैसे हम अपने मिरर में जो हमारी जो इमेज बनती है, सुबह हम मान लो आप शीशा देख रहे हो तो शीशे के अंदर आपकी जो इमेज है वो सिर्फ शीशे के अंदर ही दिखेगी आपको, किसी स्क्रीन पर नहीं दिख सकती, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये सारा पार्ट हमने अभी तक कवर किया था और हमने न्यूमेरिकल फाइनली ट्राई किए थे। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमको डिस्कस करना है, इसके नेक्स्ट जो मेन टॉपिक हमारा होने वाला है। अब इसके नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है, जो हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, मतलब कि जब भी कोई लाइट रे हम किसी ग्लास स्लैब से पास करते हैं, मान लेते हैं लाइट रे है, लाइट रे आई, तो हमको लगता है क्या, लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए सीधा सीधा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब है लाइट रे यहाँ से आएगी, इस मीडियम के अंदर जानी चाहिए, लेकिन लाइट रे ऐसे सीधे नहीं जाती है। जब इसको आप एक्सपेरिमेंटली करोगे, आपके पास मान लो टॉर्च है, टॉर्च से आपने लाइट रे डाली तो लाइट रे सीधा नहीं जाती है, जब उसका पाथ आप देखोगे तो लाइट रे बेंड होती है, पहले कुछ ऐसे बेंड होगी उसके बाद ये ऐसे जाती है। मतलब लाइट रे बेंड ऐसे क्यों हो रही, लाइट रे को तो सीधा जाना चाहिए था, पहले यहाँ पे बेंड हुई फिर अगेन यहाँ पे बेंड हो रही है। तो ये रीजन हमको समझना है इसके अंदर, जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसका हम रीजन समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अब इसके लिए हमको वापस पीछे आना पड़ेगा जहां से हमने टॉपिक, जहां से हमने लाइट रे को आना स्टार्ट किया है। अब मान लेते हैं लाइट रे हमारी, अब ये आ कहां से रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो मान लेते हैं यहां पे एयर है और यहां पे ग्लास। एयर की डेंसिटी कम होती है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा डेंस मटेरियल है, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। दिस इज अ रेयर मीडियम और ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। अब यहां पे आपको बात ध्यान के रखनी है, आपको दो लाइनें यहां पे याद करनी है। व्हेन एवर अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। नॉर्मल क्या होता है ये समझते हैं, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये इसका सरफेस है ऊपर का। अब आपको क्या करना है, आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। परपेंडिकुलर लाइन को जैसे बनाई जाती है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे जाना सीधा चाहती है बट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हल्का सा बेंड होगी, इस तरह से जाना सीधा चाहती थी बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब इसका रीजन हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो आपको पहले याद क्या रखना है, जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको एक और नॉर्मल बनाना है। अब ये लाइट रे क्या हो रही है, डेंसर से वापस रेयर में जा रही है, मतलब एयर की तरफ जा रही है। तो अगेन आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ये क्या है नॉर्मल है, ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या होगा, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, यहाँ पे क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना तो सीधा ही जाती थी बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, व्हेनेवर अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेनेवर अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। अब इसका रीजन हम जान लेते हैं, जब लाइट रे रेयर में थी इसकी स्पीड ज्यादा थी, डेंसर मीडियम में आते ही इसकी स्पीड कम हो गई। जैसी लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसको स्मॉलेस्ट पाथ चाहिए ताकि ये मीडियम जल्दी क्रॉस हो सके। जैसे अगर मान लो लाइट रे बेंड नहीं होती, तो लाइट रे अगर बेंड नहीं होती इसने कैसे मूव करना, सीधे जाती है, इस तरह से इसको जाना था बट लाइट रे। अब तो हम देख सकते हैं इन दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, अगर लाइट रे बेंड नहीं होती सीधे जाती तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर जाए बट ये पूरी तरह बेंड तो नहीं हो पाती बट कोशिश करती है नॉर्मल की तरह बेंड हो, क्योंकि छोटा पाथ है ये, लॉन्ग पाथ हो रहा है। तो लाइट रे इसीलिए बेंड होती है क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, रेयर से डेंसर में मीडियम में आती है तो ये हल्का सा अपने आपको बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन थी,
लाइट रे जाना ऐसा चाहती थी बट हल्की सी बेंड हुई नॉर्मल की तरफ। और रीजन क्या होगा हमारा, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। और ये बात आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना रखा है मोर टू नो, तो उसके अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी कि लाइट रे बेंड क्यों हो रही है। ये सारी एनसीईआरटी की बातें हैं, हम इस वीडियो में ज्यादातर एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, पूरा एग्जाम एनसीईआरटी से ही हमें। तो ये हमारा रीजन था कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। अब अगेन यहाँ पे लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड की हो रही है, जैसी लाइट रे डेंसर से वापस रेयर में आएगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसको लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए, तो नॉर्मल वाली जो लाइन है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है। तो ये हमारी जो रे थी, आने वाली रे, इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे वापस गई बाहर आई, इसे बोला जाता है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। इंसिडेंट मतलब आना, इमरजेंट मतलब बाहर निकलना, जैसे एग्जिट होता है वैसे इमरजेंट। तो आने वाली रे को इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे कहेंगे, जाने वाली को इमरजेंट। और उसके बाद जो एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट, ये हमारा नॉर्मल था परपेंडिकुलर, ये इमरजेंट रे इंसिडेंट रे है, इनके बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से आप डिनोट कर सकते हो। एंड द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंट। दो बातें आपको ध्यान रखनी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट। जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों एंगल हमेशा सेम रहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों एंगल हमेशा सेम रहेंगे इस रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे हमने समझ लिया लाइट रे बेंड क्यों होती है और बेंड होने का रीजन क्या है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमको समझना है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब लाइट का जो रेशियो है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका हमारे पास एक साइन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे आप यू बनाते हो, यू आप यू ऐसे बनाते हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साइन में आपको बस यहाँ पे ऐसे एक एक्स्ट्रा यूज कर देना है। तो ये म्यूज को पढ़ा जाता है, म्यूज को पढ़ा जाता है, और इसका जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्लास स्लैब था, अभी हमने देखा लाइट रे आई एयर से, ग्लास स्लैब में आई फिर बेंड हो गई इस तरह से, तो लाइट की स्पीड एयर में अपॉन लाइट की स्पीड इस ग्लास के अंदर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान देना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड की जो स्पीड है उसी को क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। और इसका सिंबल है म्यू, उसको पढ़ा जाता है ये ग्रीक, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे पास इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके वैल्यूज गिवन होंगी और वैल्यूज से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास जनरली आप फॉर्मूला तो एक ही है, उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, मतलब वी वन अपॉन वी टू करके लिख सकते हो। और जनरली क्या होता है, हम स्पीड ऑफ लाइट किससे मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट हम जनरली वैक्यूम किससे कंपेयर किया जाता है, या एयर से कंपेयर किया जाता है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम ये होती है हमारे पास इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपको याद रखनी है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जैसी लाइट वैक्यूम से एयर में आती है, लाइट की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, बट ऑलमोस्ट इसके बराबर ही लेते हैं, ऑलमोस्ट इसके बराबर हम लेंगे। तो इसके बाद आप हम जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारी बुक्स में जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिए हैं। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलने का मतलब है कि लाइट रे, जैसे मान लेते हैं लाइट रे आएगी एयर से या वैक्यूम से, तो वैक्यूम और एयर में मैंने बताया ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड सेम होती है, दोनों में बराबर है। और उसके बाद आ गई ग्लास स्लैब के अंदर, तो मान लेते हैं लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं इतनी है।
और लाइट की स्पीड, जैसी लाइट आई इस ग्लास स्लैब के अंदर, इसकी स्पीड मान लेते कम हो गई, और मान लेते इसकी स्पीड हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, तो आप फॉर्मुला अप्लाई करोगे, फॉर्मुला हमारे पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो मीडियम फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में, ऑलमोस्ट बराबर है 3 × 10⁸। ये कहाँ है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन जहां जा रही है लाइट, जहां लाइट गई ग्लास स्लैब के अंदर, और ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड हो गई 2 × 10⁸। तो यहाँ पे आप अपॉन में रख देंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया 3/2, और 3/2 जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कोई यूनिट नहीं है, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आप देख लो यूनिटलेस क्यों है, ऊपर क्या है स्पीड है, अपॉन भी स्पीड है, स्पीड से स्पीड दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमारा आंसर है 1.5 बस, इसको लेके छोड़ सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, वेट को केजी में नापते हैं, हर चीज को नापने के लिए यूनिट होती है, इसको नापने के लिए कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि क्या है ये रेशियो है, रेशियो कोई सा भी हो उसकी कभी यूनिट नहीं होती है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। इसके नेक्स्ट हमारे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक दूसरा फॉर्मुला बता के देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मुले हैं, अभी पहले मैं बता दूं, इससे जस्ट पहले भी हमने क्या फॉर्मुला पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला होता है लाइट की स्पीड इन मीडियम फर्स्ट v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड v1 अपॉन v2। इस तरह से हम लिखते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब स्नेल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक और हमको फॉर्मुला दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला होता है अनदर साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारे पास फॉर्मुला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन फंक्शन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी आई और आर कहाँ होते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। अगेन आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब बनाना है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, लाइट रे आई कुछ इस टाइप से, फिर हल्की सी बेंड होती है, फिर वापस ऐसे चली जाती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है, लाइट रे बेंड होती है, लाइट की स्पीड तो भी चेंज हो जाती है। तो ये हमारी रे क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल बनाना है, तो मान लेते हैं नॉर्मल इस पॉइंट पे। अब ये जो एंगल होगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल है यहाँ पे। उसके बाद ये हमने बनाया अनदर नॉर्मल, ये क्या हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट, ई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ई। ये दो हमको बातें ऑलरेडी पता है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट जैसी ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो ये क्या बन गए, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे अंदर जाने के बाद, तो ये है एंगल आर। तो आपको बस आई और आर पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए आर, आई और आर सेम नहीं होते हैं, सेम तब होंगे अगर मीडियम सेम हो। डेफिनेटली क्या होगा, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी बेंड होगी, जब भी बेंड होगी तो आर डेफिनेटली आई से कम ही आएगा, अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डेंसर से रेयर में जाने पे, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो फॉर्मुला अप्लाई कैसे करना है, मान लेते हैं इन्होंने इंसिडेंट एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं, एंगल हमने 60 डिग्री के एंगल पे हमने यहाँ पे लाइट को डाला, और ये जो एंगल आर है मान लेते हैं ये हमारे पास 30 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से साइड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। तो अगर हमको पूछा जाएगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अगर स्पीड दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन सेकंड। अगर स्पीड नहीं दिया हुआ, हम कोई एंगल्स दिए आई और आर, तो आप फॉर्मुला लगाओगे स्नेल्स लॉ, जो हमको क्या बताता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये फॉर्मुला अप्लाई कैसे करना है, आपको बस वैल्यूज याद रखनी है 60 की 30 की, बस साइन की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी कॉस और टेन की वैल्यू तो आप मैथ्स में पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपको साइन की वैल्यूज याद रखनी है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 अपॉन साइन 30, ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है साइन आई और साइन 30, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन 60 अपॉन साइन 30, वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा साइन 60, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो साइन 60 हटा के आप सीधा लिख सकते हो √3/2 अपॉन साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वैल्यूज याद कैसे रखनी है, अगर आप ये वैल्यूज याद कर सकते हो अच्छी बात है, इनको निकालने का एक तरीका भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, ये आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा √3 × 2 अपॉन 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया √3/1, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, मतलब आप सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लिख सकते हो √3 विच इज इक्वल टू 1.7, ये वैल्यूज होती हैं। आपको दो वैल्यू याद कर सकते हो, आप चाहो तो मैथ्स में भी आपके काम आएगा, √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लूँ, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये √2 की वैल्यू है, और √3 की वैल्यू होती है 1.7,
ये दो वैल्यूज आपको याद करनी है जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो हमारा आंसर आ गया 1.7 और कोई यूनिट नहीं है, अभी बताया मैंने यूनिट लेस है। अब इसके नेक्स्ट ये जो साइन की वैल्यूज है आपको याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है साइन की वैल्यूज याद रखने का। आपको एक लाइन आपको कुछ यहाँ पे याद कर रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4 इतना तो आप याद रख सकते हो। ये बहुत कुछ मुश्किल काम है नहीं याद करना, बहुत ईजी है ये। 1/4 से लेके 4/4 तक आपको काउंट करना है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट इनकी जो वैल्यूज आएगी, इन सबका अगर मैं रूट कर दूँ तो इनकी जो वैल्यूज आएगी वही हमारी साइन की वैल्यूज है हर एक एंगल पे जो यहाँ पे गिवन है। जैसे 0/4 कितना हो जाएगा, 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब 1/4 का रूट करना है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। अब 45 देखो, 2/4 लिखा है मैंने, तो 2/4 का मतलब है पहले ये यही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दो 1/2, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 का रूट रूट 2 करके छोड़ सकते हैं, तो 1/√2। इसके बाद देखो 3/4 का रूट, 3 का रूट रूट 3 रहेगा, रूट 3, और 4 का रूट हो जाएगा 2। उसके बाद 4/4 मतलब 1 और 1 का रूट 1 होता है, तो साइन 90 हो गया 1। तो ऐसे आप इनको वैल्यूज याद कर सकते हो। और बाकी आपको पता होगा अगर आप इसका अपोजिट कर दो तो कॉस की वैल्यूज भी आ जाती हैं, बट कॉस की वैल्यूज का यहाँ पे कुछ खास काम है नहीं, बता देता हूँ मैं उसके बाद भी। कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है, साइन 90 और कॉस 0 एक ही होता है, मतलब 1 वहाँ लिखा है 1 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिखा है 0 वहाँ लिख दो। उसके बाद √3/2 यहाँ लिखा है, तो √3/2 को 30 के अपॉन में ले आओ, जस्ट इसको अपोजिट करना है, और 1/2 30 के नीचे है तो 1/2 यहाँ लिख दो, और 1/2, 1/√2 सेम रहेगा 1/√2। तो ये क्या आ गए हमारी साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज, बाकी टैन की वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो साइन अपॉन कॉस करके, बट वो अभी फिजिक्स में उसका यूज है नहीं। फिजिक्स में आपको याद क्या रखना है, फिजिक्स में आपको ये तो याद रखना है, तीन एंगल आपको याद रखने हैं, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है बस। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, ये हम देख लेते हैं एक बार न्यूमेरिकल कैसे हमारे पास आने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडियम आर गिवन एज, मीडियम ए बी और सी, तीन मीडियम है और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.2, 1.5 और 2। अब इसके नेक्स्ट पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, फाइंड इन विच मीडियम लाइट स्पीड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ऐसे में क्या करेंगे हम, जनरली क्या करते हैं बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करने में काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको सीधा एक तरीका याद रखना है कैसे आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा, आप वैल्यूज देख के बता सकते हो। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, हमको लाइट की स्पीड बतानी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन मीडियम सेकंड, v1/v2, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर उतनी कम होती है। जैसे यहाँ पे तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं 1.2, 1.5 और 2, तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब लाइट की स्पीड सी वाले मीडियम के अंदर सबसे कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का सबसे कम है, इसका मतलब लाइट की स्पीड ए के अंदर सबसे ज्यादा होगी, तो ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहीं से आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि लाइट की स्पीड किसके, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, जनरली वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला होता है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया था लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस मीडियम में होगी, तो मैक्सिमम बोल सकते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम है मीडियम ए में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर है हमारा मीडियम ए, मैक्सिमम मीडियम ए, और लाइट की स्पीड मिनिमम किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, तो मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियम सी। तो इसको बिना सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, बाकी अगर आपसे स्पीड पूछा गया है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं था, तो ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ लेंस। तो हमारे पास जनरली दो टाइप के लेंस होते हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ मिरर पढ़े थे, दो टाइप के मिरर थे हमारे पास, वैसे तीन होते हैं बट मेनली स्फेरिकल मिरर्स थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। वैसे यहाँ पे भी दो टाइप के लेंस है हमारे पास, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जो केव है, जो अंदर की तरफ है, केव की तरह है, वो क्या हो जाएगा कॉनकेव, और जो बाहर है वो किताब उसका जस्ट अपोजिट कर दो कॉन्वेक्स। ऐसे आप याद रख सकते हो, केव, केव का मतलब आपको बताइए, तो एक केव की तरफ है, केव की तरह है अंदर की तरफ, तो कॉनकेव हो गया और जस्ट उसका अपोजिट कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब मिरर के जो भी रे डायग्राम है इसमें जस्ट अपोजिट है, इसका सारा पूरा अपोजिट काम होगा। मतलब कि हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में 6 केसेस, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कॉनकेव लेंस में 2 ही केसेस हैं, तो हमको डिस्कस करने, पहले हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास रे डायग्राम ऑफ लेंस। अब इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम पढ़े थे, उसमें कुछ रूल्स समझे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने रे डायग्राम बनाया था। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स समझने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे रे डायग्राम सारे इजीली बन जाएंगे, आपको रूल्स पे ध्यान देना है।
तो यहाँ पे हमारा जो पहला रूल है, जैसे आपने मिरर पढ़ा होगा, मिरर में पहला रूल क्या है, कोई भी लाइट रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो सारी लाइट रे फोकस में जाती है। तो यहाँ पे पहली बात तो लेबलिंग भी सेम ही है। पहले मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाई है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्चुअल में जो लेंस है, एक्चुअल में इसके पास दो स्पेयर है ना, एक तो इस साइड एक स्पेयर है और दूसरा राइट हैंड साइड भी एक स्पेयर होगा, इसके पास दो स्पेयर है दोनों साइड। अब एक्चुअल में स्पेयर का रेडियस होता है, तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो इस पॉइंट पे है जिसको हम कहते हैं 2f, और यहाँ पे भी है ये 2f2, तो दोनों इसके रेडियस आप मान सकते हो कि दोनों दो हमारे पास एक स्पेयर की तरह है जो कि रेडियस का काम कर रही है। अब लेंस की अगर मैं बात करूं, लेंस में जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को क्रॉस करती थी उसको पोल नाम दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं लिखा है ओ, ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर नाम यूज होता है, ऑप्टिकल सेंटर्स को कहते हैं, ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आपको रूल क्या याद रखना है, पहला जो रूल है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है तो वो सारी लाइट रे जाती है फोकस की तरफ, ये हमारा पहला रूल है, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम, सारी लाइट रे फोकस भी जाती है। सेकेंड, लाइट रे अगर आप फोकस के थ्रू क्रॉस करवाओगे तो ये सारी लाइट रे पैरेलल जाएगी, जस्ट अपोजिट है, लाइट रे अगर पैरेलल होगी तो फोकस में जाएगी, अगर लाइट रे फोकस के थ्रू जाएगी तो ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड जो रूल है हमारा वो है हमारे पास, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी तो बिना रिफ्लेक्शन के, मतलब बिना बेंड होके, विदाउट रिफ्लेक्शन सीएसी निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन तो होगा बट बेंडिंग नहीं होगी, ये इसके तीन रूल हैं। तो ये हमारे तीन रूल हैं, जैसा भी मैंने बताया, लाइट रे जब पैरेलल होगी तो फोकस के थ्रू जाएगी हमेशा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, और कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाती है तो विदाउट बेंडिंग ये सीधे सीधे जाएगी, कहीं भी बेंड नहीं होगी, और कोई भी लाइट रे अगर आप फोकस के थ्रू जाओगे तो फिर पैरेलल आएगी, देखो जस्ट अपोजिट हो गया ना, पैरेलल है तो फोकस के थ्रू, और अगर आप फोकस के थ्रू क्रॉस करोगे तो पैरेलल जाएगी। ये तीन रूल आपको याद रखने हैं, इसके थ्रू आप कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो बहुत इजीली इस चैप्टर में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था लाइट चैप्टर का, जहां पे हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कैसे, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, लाइट बेंड क्यों होती है ये हमने समझा, और जो लाइट के रे डायग्राम है अभी हमने सिर्फ रूल समझे हैं रे डायग्राम के लिए, इसके नेक्स्ट हम समझेंगे रे डायग्राम बनाने कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको रूल याद है तो रे डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। इसके नेक्स्ट अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट आप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू।